नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। फरीदाबाद क्रिसमस डे के उपलक्ष्य पर नालंदा किड्स जी का भव्य उद्घाटन किया गया। आदर्श नगर स्थित नालंदा किड्स जी के उद्घाटन में एसडीएम राजेश कुमार ने रिबन काटकर नालंदा किड्स जी प्ले स्कूल का नन्हे मुन्ने बच्चों को समर्पित किया। वहीं पर नालंदा स्कूल के डायरेक्टर वीरेन चौधरी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया और पगड़ी बांधकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर बल्लभगढ़ फरीदाबाद से आए विभिन्न स्कूलों के संचालक भी मौजूद रहे। वहीं पर हमारी बातचीत नालंदा विद्यालय के प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार से हुई, तो उन्होंने बताया कि नालंदा विद्यालय हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है और हमारा प्रयास है कि हम अपने आसपास की कॉलोनियों के बच्चे हमारे विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो बच्चे शिक्षित और संस्कारी बनेंगे। और रिकॉर्ड मनोहर लाल ने 4 साल में 32,000 लोग की लगा चुका, अभी 18,000-20,000 बाकी है। और सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाने वाले जो टीचर थे, चाहे एनडीसी में गए, चाहे टीचर में गए, चाहे दूसरे महकमे में गए, आज सबसे ज्यादा बच्चे जो टीचर जो पढ़ा लेते थे, प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे। कल सर जो ओपनिंग हुई है नालंदा किड्स जी की, जो हमारे चीफ गेस्ट थे श्री मूलचंद शर्मा जी थे, जो हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक जी हैं, और जो अध्यक्षता थी श्री राजेश कुमार एसडीएम बल्लभगढ़ थे, और कम से कम 500 लोगों ने इस ओपनिंग में पार्टिसिपेट किया। तो ये आपने जो विद्यालय खोला है, प्ले स्कूल है, आपकी क्या इसमें सोच रही है कि जो आपने प्ले स्कूल बनाया है, जबकि आपकी बड़ी बड़ी संस्थाएँ चल रही हैं उसके बावजूद भी? नालंदा किड्स जी खोलने के पीछे जो मेरा मत है कि मेरे 4-5 ब्रांचेज ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। मेरा सबसे बड़ा स्कूल 4 एकड़ में दयालपुर गांव के अंदर है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को जितना प्यारे से प्यारा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, अच्छी से अच्छी बिल्डिंग दी जाएगी, अच्छे से अच्छे टीचर दिए जाएंगे, तो बच्चे का मन स्कूल में अच्छी तरीके से लगेगा और उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। सर कितनी बेंच का स्कूल बनाया आपने? सर जो मेरा टारगेट है इस एकेडमिक सेशन के लिए 100 स्टूडेंट्स का टारगेट लेके मैं चला हूँ कि प्ले स्कूल में 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन लूँगा ताकि मैं उनको अच्छे से अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकूँ। तो बढ़ते आगे, थाना सदर में ग्रामीण और वकील जो बल्लभगढ़ बार एसोसिएशन में पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह वकील के भाई के लापता होने पर पुलिस प्रशासन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें शक है कि उनके बिजनेस पार्टनर ने ही उनको लापता किया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने टीम गठित करके नवल की दिल्ली में आई लोकेशन के मुताबिक भेज दी है और जल्दी मामले को सुलझाने की बात भी कही है। बड़े भाई हैं मेरे डॉक्टर कंवर लवन सिंह, वो 23 तारीख से लापता है। 23 तारीख को तो कंप्लेंट पुलिस की कोई भी संतुष्ट करने वाला रिस्पांस नहीं मिला है, और उसी से आज समाज इकट्ठा किया है उसी परेशानियों के लिए कि अगर ये नहीं सुन रहे हैं तो सामाजिक तौर पे हम जो भी करेंगे उसकी वजह से। देखिए 23 तारीख को लवन नाम का जो हमारे वकील साहब हैं स्वर्ण सिंह, उनका छोटा भाई था, 23 तारीख से मिसिंग है और आज तक कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब और कार्रवाई हमें यहाँ पर नहीं मिली है, इसलिए अपनी जानकारी लेने के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए हम यहाँ थाने में खड़े हुए हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ के? वहाँ बोला है कि दिल्ली में कहीं लास्ट लोकेशन मिली है और वहाँ पर आज इनकी जाने की है, लेकिन हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसके बारे में हमें जानकारी मिले, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे ग्रामीणों के साथ में सारे रिश्तेदारों इलाके में इस बात का भय व्याप्त होता जा रहा है कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना घट रही है। ये वकील के भाई जो हैं, ये इनका नाम है लवण सनाप नरजीत पाल, ये कोई बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे, वहाँ से गायब हैं। तो क्या सूचना मिली थी पुलिस को और क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? पुलिस को सूचना कल मिली है कि वो 3 दिन से गायब है। जब इन्होंने लिखित कंप्लेंट मुझे कल दिया, उसी समय मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश बढ़ा दी गई है और इन्वेस्टिगेशन में उसकी डिटेल हमने कढ़वाया तो लाहौरी मल होटल की आ रही है, जहाँ पर हमने अपनी टीम भेज दी है। और कहाँ है ये होटल जी? ये दिल्ली में है सर जी। और जिस पर ये पार्टनरशिप के ऊपर शक जाहिर कर रहे हैं वहाँ भी टीम भेज दी है। तो खबर गुहला चिक्का से है। गुहला चिक्का स्थानीय एसडीएम कार्यालय में विधायक कुलवंत बाजीकर ने अत्योदय सरल केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में विभिन्न विभागों की सुविधाएं आमजन को एक ही छत के नीचे मुहैया करवाई जाएंगी। इससे आमजन का समय और धन की बचत होगी।
तो वहीं विभिन्न विभागों के चक्कर काटने से भी निजात मिलेगी। विधायक कुलवंत बाजीगर ने बताया कि नागरिकों की तकलीफों को समझते हुए हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल की है। अब नागरिक को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अत्योदय सरल पोर्टल पर 425 योजनाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इसकी मदद से नागरिक घर बैठे ही किसी भी सेवा या योजना के लिए आवेदन डाल सकते हैं। अंत्योदय का अर्थ ये है कि जो समाज में पिछली पंक्ति में जो एक मजबूर आदमी जो बैठा है, जो अपने आप में ये महसूस कर रहा था कि मेरी कोई आगे सुनवाई नहीं होती या मैं आगे कहां बात रखूं, ये वो बहुत पीछे रह जाता था। तो इसलिए हमारी सरकार ने अंत्योदय एक सरल स्कीम के माध्यम से जिस तरीके से सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, ताकि वो सुविधाएं सब ले सके, जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो वो महसूस कर रहा है कि मुझे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वो ज़रूरतें सरकार द्वारा पूरी की जा सकें। जैसे कि 204 सहायता केंद्र में जो नियम हैं कि जो सहायता की जानी है, जिसको क्योंकि हर आदमी को तो पता भी नहीं होता कि सरकार द्वारा कितनी स्कीमें आ रही हैं। तो अंत्योदय का मतलब यही है कि वो हर स्कीम के बारे में यहाँ जानकारी देना, वो आएगा आके SDM ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, अंत्योदय ऑफिस में आके वो पूरी जानकारी ले सकेगा, उसको जानकारी मिलेगी और उसको वो सुविधा मिलेगी और उसका फायदा होगा और वो खुश होगा। देखिए, इसके लिए दो अलग अलग से काउंटर्स बनाए गए हैं। जो स्कीमें हैं, स्कीमों को हम अंत्योदय सरल केंद्र के द्वारा प्रदान कर रहे हैं और जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हम देंगे, वो हमारे सरल केंद्र पर दी जा रही हैं। तो एक किस्म से एक काउंटर जिसमें कि सब काउंटर्स बने हैं अलग अलग, वो तहसीलदार ऑफिस में है और एक हमारे यहाँ अलग केंद्र जो सरल केंद्र है, इसमें टोटल 4 काउंटर हमारे पास फिलहाल हैं। तो ये सेवाएं और ये सर्विसेज एकल खिड़की सिस्टम, जिसे हम कहें कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। आप इन सभी आज लागू होने वाली 425 सेवाओं और सर्विसेज का किसी भी उससे आप लाभ ले सकते हैं। तो खबर होटल से है। होटल के अग्रसेन चौक के समीप गोल्डी नामक मेडिकल स्टोर की दुकान में दिन दिहाड़े लूट का मामला सामने आया है। दुकान में 3 नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर 20,000 रुपए और 3 मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गए और मेडिकल स्टोर मालिक को घायल कर दिया। घटना के बाद दुकान मालिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बदमाश राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने महेश नांगल की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान करने के लिए शहर में लगे CCTV कैमरे खंगालने में लगी हुई है। 3 जने, 2 जने अंदर आए थे हथियार लेके, उन्होंने हमारे कलपट्टी पे धर दिया और जो गए थे जितना भी कैसे सबको निकाल, अचानक से बैठे हुए थे तीनों, फोन में लग रहे थे, अचानक से आए उन्होंने हमला कर दिया, गाली गलौज देने लगे और भाई को सिर वीर में मार दी और हमको मारा था और तीनों को पैसे फोन वोन लूट के ले गए। अच्छा, लगभग कितने पैसे होंगे? लगभग 20-22 हज़ार रुपये। अच्छा, और फोन भी लेंगे? फोन लेंगे तीनों के लूट। इसमें यहाँ मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप के ऊपर डिजायर गाड़ी जो बताई गई है, डिजायर गाड़ी देखी गई है, वाइट कलर की हुई गाड़ी थी जिसमें वारदात हुई है। 3 लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने बंदूक की नोक के ऊपर 18,000 रुपये और कुछ खुले पैसे वहाँ से लूटे गए हैं और उनको चोट भी मारी है। दुकानदार जो मालिक थे, उसमें 2 और लड़के जो दुकान में बैठे थे, और 7:30 बजे के करीब ये वारदात है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। उसके बाद हमने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उसमें कुछ ना कुछ जरूर हम केस को ट्रेस कर लेंगे, कुछ ना कुछ हमें लीड मिली है। तो साइबर सिटी दिन दिहाड़े गुरुग्राम पुलिस के हेड कांस्टेबल का अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल राजीव नगर इलाके में टाटा सफारी में आए 7 बदमाशों ने हेड कांस्टेबल मदन का अपहरण कर लिया, जो सिविल लाइन्स थाने में तैनात था। सनसनीखेज वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने वारदात के बाद पुलिस नाकों को फौरन एक्टिव किया गया, जिसके बाद बौखलाए बदमाश गाड़ी और हेड कांस्टेबल को सेक्टर 12A के पास छोड़ फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने हेड कांस्टेबल मदन का मेडिकल करवा मामले की जांच शुरू कर दी है। ये गुरुग्राम के राजीव नगर जो सेक्टर 14 एरिया में पड़ता है, पुलिस स्टेशन जो है सेक्टर 14 की जो डायरेक्शन है, वहां से मदन लाल जो एक हमारे हेड कांस्टेबल हैं, जिनका एक अपना प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ एक व्यक्तियों के साथ झगड़ा हुआ था और जिसमें
जो गाड़ी हमने बरामद कर ली है और इसमें जो भी शिकायत प्राप्त होगी उस पर मामला दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कौन है मदन लाल, कहाँ पे तैनात था सर? ये मदन लाल गुरुग्राम पुलिस में ही तैनात है और सिविल लाइन में इसकी पोस्टिंग थी। कितने बजे की वारदात है और कितने लोग मार्च में शामिल? लगभग 2 बजे की बात है और इसमें 4-5 व्यक्ति जो है शामिल। क्या गिरफ्तार कर लिया गया सर? नहीं, अभी गाड़ी बरामद हुई है और जो इसका झगड़ा हुआ था घर पर ही था ये और प्राइवेट कैपेसिटी में इसका झगड़ा। खबर महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ आदर्श कॉलोनी में स्थित भारत फाइनेंस कंपनी में 3 नकाबपोश डकैतों ने बंदूक की नोक पर 17,20,000 रुपए लेकर फरार हो गए और अपने साथ कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीबीआर भी उखाड़ ले गए। कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने बताया कि हमारी कंपनी का सारा कैश इकट्ठा कर तिजोरी में रख दिया था। उसके बाद हमारे स्टाफ के 2 लोगों ने अपने दफ्तर का कार्य किया, फिर वे भी सो गए। उसके बाद 3 लोग जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और हाथों में पिस्टल के दम पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। 4 बजे फोन द्वारा सूचित हुआ था और मैं मौके पर गया। आदर्श कॉलोनी राव दिलीप सिंह के पेट्रोल पंप के पीछे फाइनेंस भारत फाइनेंस कंपनी है एक मकान में, जिसमें 11 लोग रहते थे और बाहर मकान के किवाड़ खुले थे। उन्होंने 2 बजे तक काम किया बताया है और एक कमरे में जो मैनेजर था उस कमरे में घुसकर पिस्टल पॉइंट पर लेकर कैश वाले कमरे में ले गए और तजूरी में रखे 17,20,000 रुपये और जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे उस कमरे के डिवाइस भी उतार कर ले गए। और हम पुलिस 4 टीमें बनाए रहे, सीआई नानोल, सीआई महेंद्रगढ़ और थाना सदर सिटी सदर की टीम उनकी तलाश में है। मुकदमा दर्ज कर दिया है और जल्द ही शीघ्र। तो इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जन अधिकार यात्रा के दौरान सोनीपत के बिदलान गांव पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जमकर भाजपा सरकार और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। अभय ने कहा कि सीएम से न केवल हरियाणा की जनता उपेक्षित है बल्कि अब खुद बीजेपी के मंत्री और विधायक सीएम पर उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज इस तरह की बोली हुड्डा बोल रहे हैं उससे लगता है कि वो जल्दी कांग्रेस को अलविदा कह देंगे और जेजेपी की तरह अलग दल बना लेंगे। इस मौके पर उन्होंने जेजेपी पर चुटकी लेते हुए इसे बच्चों की पार्टी बताते हुए कहा कि बच्चों की पार्टी पर क्या टिप्पणी करें। जन अधिकार यात्रा हमने 1 तारीख से शुरू करी थी और अब तक 21 विधानसभा क्षेत्र हमने इसके तहत किए हैं। लोग चाहते हैं कि आज 4 साल जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो दिक्कतें इनके सामने आई हैं इनका किस तरह से समाधान हो। अब तो हालत ऐसी होगी कि पहले तो हम आरोप लगाते थे सरकार के ऊपर कि सरकार जो है लोगों की अनदेखी कर रही है। हम जब ये बात कहते थे तो मुख्यमंत्री सामने से ये कहता था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जो है केवल आरोप लगाने की बात करता। अब तो उनके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य ने, उनकी पार्टी के विधायकों ने सभी में इस बात के आरोप लगा दिए कि सरकार में हमारी अनदेखी हो रही है। अगर मंत्री और एमएलए की अनदेखी है तो फिर मान के चलो आम आदमी को तो कोई सुनने वाला भी नहीं बचा। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, लोकतंत्र पे आज खतरा है। हमने जो जन अधिकार यात्रा शुरू करी है वो इसी बात को लेकर के करी थी कि लोगों के अधिकारों पर डाके डाले जा रहे थे। लोगों को, कर्मचारियों को बोलने से रोका जा रहा था। कर्मचारी अगर अपनी बात कहने के लिए सरकार तक जा रहा था तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा था, उस पर एस्मा लगाया जा रहा था। उसको जो है किसी ना किसी तरीके नौकरी से निकालने का डर दिखा करके दबाया जा रहा था। तो स्कूल के छात्रों ने बताया कि कुछ लोग स्कूल में आए थे जिन्हें देखकर गणित अध्यापक प्रवेश स्कूल से भाग गए। छात्रों ने बताया कि उनमें से 3 पहलवान थे जिनके हाथ में रिवॉल्वर थी जो सर को मारने आए थे और वह उनको पहचान सकते हैं। साथ ही स्कूल अध्यापक ने बताया कि जब वह स्कूल में आए तब 3-4 लोग स्कूल के अंदर बैठे हुए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल से मिलने आए हैं। फिर उन्हें दूसरे अध्यापक ने बताया कि यह तो प्रवेश का ससुर है। थोड़ी देर बाद बाहर बहुत जोरदार धमाका हुआ जहां उन्होंने देखा तो गाड़ियां आपस में टकराई हुई हैं। उसमें भी गाड़ियां एक प्रवेश की थी, दूसरी उसके ससुर की थी। कौन थे वे? 4-2-3 तो उसमें से पहलवान थे। हाँ जी। और एक सरगे सुसरी थे। हाँ। क्या करने लगे वे? यहाँ पर आए थे। हाँ। यहाँ पर मारने के लिए आए थे।
सर को। क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में रिवॉल्वर थी। फिर आपने खुद देखी थी? हाँ देखी थी सर। पहचान सकते हो सामने आने के बाद उनको? हाँ। फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने यहाँ पर सर आए ना सर, वो लगाने के लिए आए थे हाजिरी जी, तो फिर वो यहाँ से उनने गन वन निकाली, गन निकालने के बाद फिर सर समझ गए होंगे, फिर सर भी यहाँ पर बाहर निकले, तो मारने के लिए आए थे सर, तो फिर सर यहाँ से गाड़ी लेके गए थे, वहाँ पर गए थे, फिर सर वापिस आ गए, उनने सामने गाड़ी हटा दी, गाड़ी हटाने के बाद गाड़ी वहाँ पर ठुकी सर की। मैंने एंट्री करी रीड्स गाड़ी लेकर आया था, यहाँ चार बंदे बैठे थे, एक मेरा ससुर था और तीन ठाडे पहलवान थे। मैं वहाँ हाजिरी लगाने के लिए गया हूँ, मेरे ससुर ने इशारा कराया, उनकी तरफ वे उठ गए हैं, उनके उठते ही मैं समझ गया, मैं घबरा गया, मैं हाजिरी लगा तुरंत गाड़ी की तरफ भाग गया हूँ, वे भी स्पीड से मेरी तरफ हो लिए और मैं जो है थाना खरकोदा की तरफ के लिए मन बना कर गया था। 100 नंबर पर मैंने यहाँ कॉल करने की कोशिश की, नहीं हुई, और औरों ने भी करने की कोशिश की, टीचरों ने, नहीं हुई 100 नंबर पर, मेरे पीछे वो लग लिया जी, और वहाँ फिर रस्ते में सेंट्रो गाड़ी ले खड़े थे, मैं उल्टा आया उधर से, उधर जाऊँ था सर रोना की तरफ, लेकिन उधर से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा था, डंपर वापिस गाड़ी इधर, अरे इधर जो है उनकी वैगनार गाड़ी, उन चारों जने बैठ चुके थे और कानों में लीड लगा रहे थे, और उन नकती गाड़ी मेरी रोकने के लिए बीच में लिया है, और मैं भी स्पीड में था, और उन मेरी गाड़ी का टक्कर ऐसी जोरदार मारी है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मेरे हाव भाव वो हो गए जी बिल्कुल, अरे फिर छूट गए, और मैं अपनी गाड़ी ने छोड़कर जैसे ही मैं भाग गया हूँ, मेरे पीछे लगे हैं चारों, वो बुढ़ा पीछे था, तीन वे पहलवान लगे हैं, मैं वहाँ जिस घर में छुपया हूँ, जिस घर से मैंने 100 नंबर पर फ़ोन कराया है, आप उनसे पूछ लेना, 100 नंबर पर मैंने कॉल की है, जैसे तैसे की है, जान बचाई है अपनी बड़ी मुश्किल से। उन बंदों ने ये भी कहा है कि बाहर चार पांच बंदे घूम रहे हैं, मैं कहा भाई साहब देख लो, ऐसे मत जाओ, करियो खोलियो मत गेट, ने बोले भाई चार पांच अननोन बंदे घूम रहे हैं, आप वहाँ के आप तसल्ली कर लो, स्कूल में आकर तसल्ली कर लो, टीचरों से करो, बच्चों से करो, आप किसी से करो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। आईओ साहब ने मेरी एक भी नहीं सुनी, वो पहले ही मामला सेटल हो रहा था बिल्कुल, आईओ साहब ने मेरे को ये भी कहा तू 70,000 ले ले, 80,000 ले ले, यहाँ का एक कुलदीप लंगड़ा है वो भी रात को मेरे पास गया है थाना खरकोदा में, ठीक है तू 80,000 ले ले, पिंड छोड़, अपनी गाड़ी का करवाता रही, ना गाड़ी को सुपुर्दगी दी, कुछ नहीं दी, वो मेरे को तो अब बताया किसी ने, कुछ भी नहीं दे रखा, अरे यूँ कहा अननोन गाड़ी का करवा ले तू, अननोन गाड़ी दिखा गए और अपना वो करवा ले, इंश्योरेंस ले लिया, ऐसे कैसे ले ले मेरी गाड़ी का मार गजारे, अननोन का ये तो गलत है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल अन्याय हुआ है मेरे साथ। प्रवेश वह उसकी पत्नी का मनमुटाव चला रहा है, जिनका अदालत में मामला चला हुआ था, समन लेकर आए थे, उनके साथ कहा सुनी हुई थी, कहा सुनी में दोनों पक्ष बुलाए थे और निवारक उनके खिलाफ निवारक कार्रवाई में बुलाई जांच की। तो प्रदेश मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार रतिया में करोड़ों रुपए की लागत से शहर के 17 वार्डों में गलियों के इंटरलॉक सड़कों का निर्माण शुरू किया गया है। इस निर्माण की शुरुआत नगर पालिका के वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि जगराज सिंह राजा ने नारियल फोड़कर किया। जगराज सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने रतिया शहरवासियों को विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी है, जिसको लेकर शहर में गलियों का निर्माण शुरू किया गया है। साथ ही कहा कि पूरे शहर में संपूर्ण विकास होगा। 64 करोड़ रुपए था जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, उसके मतलब काम करा रहे हैं गलियों का, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, अब जो बाकी रहता है वो सारा हो जाएगा जी। और मुख्यमंत्री जी साहब ने कहा है कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब शहर का सबसे बढ़िया विकास होगा और पूरा विकास करेंगे। एक शहर में जो 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कितनी गलियां बनेंगी इससे? काफ़ी गलियां किया जी, और ले आएंगे पैसे, पूरा जोर लगाएंगे जी, पूरा शहर चमका देंगे जी। तो बढ़ते आगे, सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लामा ने कहा कि कर्मचारी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। कार्य के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने वाली स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। इसके अलावा डीसी रेट पर लगे तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह से समाप्त की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 8 और 9 जनवरी की को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन और सभी कर्मचारी संगठन भाग लेंगे। यह हड़ताल देश की राजनीतिक दिशा को तय करेगी और कर्मचारी और मजदूरों के भविष्य को भी तय करेगी। हड़ताल के जो मुद्दे हैं वो एक तो नेशनल पेंशन सिस्टम जो NPS इसको बोलते हैं, नई पेंशन स्कीम को बंद किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, मरने वाले कर्मचारियों के आश्रित को नौकरी देने की नीति को भी बहाल किया जाए। दूसरा है जो आउटसोर्सिंग डीसी रेट कॉन्ट्रैक्ट पर अनियमित कर्मचारी लग रहे हैं, बीच में से ठेकेदार को हटाया जाए और सीधे उनको सरकार के विभागों के रोल पर ले आया जाए, और इसके साथ साथ उनकी सेवाओं को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन
दिया जाए। तीसरा जो इशू हमारा है वो ये है कि केंद्र की सरकार श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के हकों में मजदूर विरोधी संशोधन कर रही है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों ने लड़ कर के जो हक हासिल किए थे, अधिकार हासिल किए थे, वो केंद्र की मोदी सरकार उनको समाप्त करने पर आमादा है, इसलिए उसका हम विरोध कर रहे हैं कि वो नहीं होने चाहिए। तीसरा जो न्यूनतम वेतनमान का सवाल है, हम कह रहे हैं कि 18,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान होना चाहिए, लेकिन सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। तीसरा, 50 लाख से ज़्यादा पद अलग अलग विभागों में देश में खाली पड़े हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनको स्थायी भर्ती से भर करके बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा ना करके जन सेवा के जो विभाग हैं उनको आउटसोर्सिंग डीसी रेट मतलब जो निजीकरण है निजीकरण के हवाले कर रही है, तो इसलिए इन चीज़ों का विरोध हम कर रहे हैं। तो बात करते हैं घरौंडा की। हल्का विधायक हरविंदर कल्याण बुधवार रात लगभग 7:30 बजे नगर पालिका में रैन बसेरों में अचानक पहुंच गए, जहां उन्होंने रैन बसेरों में हर चीज को बारीकी से देखा और वहां ठहरे लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि रैन बसेरा में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। लोगों ने विधायक से बताया कि रैन बसेरा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना कर्मचारियों ने रैन बसेरा में महिला पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, साथ ही शौचालय के 7 बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरे में लाइटें व सड़क पर एक बड़ा बोर्ड लगाया जाए ताकि लोगों को दूर से ही रैन बसेरे का पता लग जाए। विधायक जी बताइए, आज रैन बसेरे का दौरा किया था, किस तरह की कमियां वगैरह पाई गई है? व्यवस्था ठीक मिली, आने जाने वालों के लिए को कोई दिक्कत ना हो, उस नाते से जो रैन बसेरा गरुंडा में बनाया गया है उसकी आज मैंने सारी व्यवस्था देखी। वहाँ पानी आदि की सब व्यवस्था ठीक थी जी। और वहाँ पर जो बिस्तरे और जो खाट वगैरह वहाँ पूरी व्यवस्था थी जी। कुछ लोग वहाँ पर थे जो ठहरे हुए थे, उनसे बातचीत की तो अच्छा लगा कि एक ठीक व्यवस्था है। कोई भी शहर में ठंड के टाइम में कोई आए और किसी के पास ऐसे रहने का स्थान ना हो तो उसके लिए एक स्थान वहाँ पर ठीक बना हुआ है, और थोड़ा बोर्ड वगैरह ऐसा उनको निर्देश दिया है कि बड़ा एक बोर्ड लगाया जाए ताकि वहाँ पर आने जाने वालों को एक संकेत मिले कि यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था है। बाकी व्यवस्था कुल मिलाकर ठीक थी। तो भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव भैणी जाटान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेगौल में आयोजित प्रो कबड्डी खेलकर अपने घर लौटे खिलाड़ी अनुज गोयत का ग्रामीणों ने बड़े जोर शोर से फूल मालाओं से स्वागत किया। ग्रामीणों के साथ साथ माता पिता को भी अनुज के प्रो कबड्डी में खेलने की खुशी हुई और उन्हें गर्व है कि अनुज ने कबड्डी में हिस्सा लेकर माता पिता के साथ साथ देश का भी नाम ऊंचा किया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने अनुज के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अभी हाल में सीजन 6 में सिलेक्शन हुआ था और मेरे जब से गुरुजी ने बहुत अच्छा मेरे को सिखाया और मैं उसमें करके आया। मेहनत करनी पड़ती है, गुरुजी ने ऐसे 8-7 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करता गया और गुरुजी जब भी से अभी बताते गए और प्रैक्टिस करेंगे ना, अच्छी मेहनत करेंगे, दोनों टाइम अपने ग्राउंड में टाइम देंगे तो कामयाब हो जाएगा। काफ़ी मेहनत की अनुज ने, खिलाड़ी रहा है, कवर खेल करते काफ़ी अच्छा खेल है इसने टूर्नामेंट के अंदर भी। हमारे दो खिलाड़ी और मोनू गोयत और नवीन गोयत इसी सेंटर से प्रो कबड्डी में गए हुए हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया इसलिए वो आज आ नहीं पाए और काफ़ी मेहनत लड़का रहा है अनुज। तो बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद के अनाज मंडी में एक व्यक्ति के द्वारा स्ट्रिंगर का खेल दिखाकर किसान से 5,000 रुपए की राशि ठगने का मामला सामने आया। किसान ने आरोपी व्यक्ति को बंधक बनाया, मौके से आरोपी के 3 साथी भाग निकले। बंधक का वीडियो वायरल हुआ, आरोपी द्वारा किसान को ठगे हुए पैसे वापस देने के बाद मामला सुलझ गया, पुलिस को भी शिकायत नहीं दी गई है। बात करते हैं यमुनानगर की। यमुनानगर में पिछले एक महीने से एटीएम बैंक की 5 वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के 2 सदस्यों को सीआईए स्टाफ 2 ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, तो वहीं पिछले एक महीने से एक के बाद एक एटीएम ब्रेक कर इन्होंने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। साथ ही कुछ जगह एटीएम ब्रेक करते समय इनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। देखिए पिछले 2 महीने में नवंबर में और दिसंबर में हमारे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में 5 वारदात एटीएम तोड़ के पैसे निकालने की कोशिश की हुई है, तो उसमें हमने गंभीरता को देखते हुए सीआईए 2 की जिम्मेवारी लगाई थी कि इस वारदात में जो भी शामिल है उनका पता करके और इन केसेस को ट्रेस करें। तो आज सीआईए 2 को एक सफलता हासिल मिली है, उन्होंने इस वारदात में शामिल 2 हमने रात 10-11 बजे तक काम किए
काम करने के बाद हमें अपना कैश था वो जो कैश कंप्लीट करके और सेफ में रख दिया क्लोज करके। फिर उसके बाद दो स्टाफ हमारे काम कर रहे थे, वो काम करने लग रहे थे रात करीब 2 बजे तक के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे बीएम सर और हमारे यूनिट मैनेजर गोपाल सर, हम तीनों एक रूम में सोए हुए थे और करीब 4:45 के करीब वो तीन बंदे आए। तीन बंदों ने आके हमारे साथ उठाए और मार पिटाई की, जो गन पॉइंट ले गया था उन्होंने मेरे यूनिट मैनेजर साहब के सर पे बंदूक रखी और हमसे चाबी छीन के बस सेफ खोलने के लिए बोला। ठीक है, कारण था सुबह समथिंग 4 बजे की बात थी, तो हम तीन बंदे एक रूम में सो रहे थे, 5 स्टाफ थे जो अदर दूसरे रूम में सो रहे थे और 2-3 बंदे थे जो ऊपर सो रहे थे। जो अचानक बंदे अंदर आए, अंदर आने के बाद में हमें मारा और गन थी उनके पास में, पिस्टल थी, पिस्टल के तीनों को जगाया। जगाने के बाद बोला कि आवाज करोगे तो आपको शूट कर दिया जाएगा, आप पैसे बताइए पैसे कहाँ रखें। तो जो ब्रांच मैनेजर क्रेडिट मैनेजर है यहाँ पे संजय, उसको पकड़ के लेके गए, ब्रांच मैनेजर से चाबी ली और उधर से खुलवा के पैसे डाल के हमें एक रूम में बंद करके चले गए। वही जो तो इस वक्त के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।